जनता बोलेगी सुनेंगे सब विभाग बेखौफ बोल इंडिया बोल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मोदी सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस घोटाला बात सब है जो लगते हैं संसद उसका समय खराब करने वाली बात है, समय खराब करते हैं। एक ही चर्चा रहा राफेल पूरी सुनते ही हम रहे राफेल खिलाए वहाँ पे वो खिलेगा कमल खिलेगा लालटेन बुझेगा जलेगा लालटेन तो फूट जाएगी। वहाँ गुजरात के अंदर मुसलमान के बहुत उन्हीं की है पैसा नहीं चाहिए हमें अपनी मेहनत चाहिए। अच्छा हम ये चाहते हैं मेहनत चाहिए रोजगार चाहिए हमें पैसे से कोई मोदी सरकार जय श्री राम का नारे अपन मंदिर नहीं है न मोदी सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस कांग्रेस घोटाला बात सब है। अच्छा सब दिन सबका बिहार में लाइट भी नहीं आया था। अच्छा। न रोड बना है न सड़क बना है मोदी सरकार एकदम नीतीश सरकार जिंदाबाद लालू की सरकार से गुंडा रास्ता वो घोटाला बात है जेल में वो सजा सही काट रहे हैं सही है और उनके बेटे एकदम वो भी जाएगा अब वो जनता दरबार लगाए बैठे ऐसे कुछ नहीं चलने वाला है मोदी सरकार जिंदाबाद रहेगा। कितना बिहार विकसित हुआ है बहुत विकास हुआ भाई वो कैसे एकदम नीतीश सरकार एकदम बीजेपी में मिल के काम किया है। अच्छा खिलाए वहाँ पे वो खिलेगा कमल खिलेगा लालटेन बुझेगा जलेगा लालटेन तो फूट जाएगी फूट ही जाएगी। अच्छा मोदी सरकार आएगी वहाँ पे अभी यहाँ पे भी यहाँ भी मोदी सरकार आएगी कोई भी प्रधान राज है वहाँ पे खत्म हो गया सब खत्म हो गया लालू के राज में बाहर सीधे गोली मारता था गोली मारता और अब जाते हो बिहार में गुलाम चलो रात में 12 बजे चलो खुला बिल्कुल शराब बंद से जो किया बीजेपी ने वहाँ पे सही किया पी कर लट जाता है रोड को बंद कर दिया कोई भी दुर्घटना हो जाता है अभी बिहार एकदम रोड हालत में है रोड सड़क बीजेपी से मिल के लालू कुछ नहीं काम किया है सारा घोटाला जो बस लालू ने तो बेकार कर दिया। चुनाव आ चुके हैं नजदीक है बिल्कुल एक समझ लो दहलीज पे ही खड़े हैं चुनाव के इस बार किसको पीएम देखोगे आप प्रधानमंत्री के लायक तो देश के लिए मोदी ही बहुत बढ़िया है क्योंकि देश को उन्होंने इतने आगे ले गया इतनी महंगाई हम लोग घेर रहे थे कोई सुनने को राजी नहीं था वो महंगाई को उन्होंने काबू किया है और देश को बहुत आगे ले गए हैं वो जहाँ तक कि गरीबों को बहुत आगे ले गए हैं यहाँ से शहर से नहीं गांव में भी बहुत खुशहाल है और हर रोड जो है उन्होंने गांव का भी बहुत उद्धार किया और बहुत गरीबों का उद्धार किया जैसे कि जिनके पास घर नहीं था घर मिला हर चीज़ मिला उनको तो देश के प्रधानमंत्री के लायक मोदी है। बाकी राज्यों के लिए जो है जो भी मुख्यमंत्री हो वो अपनी अपनी जगह पर है मगर देश के लिए अभी इस समय उचित प्रधानमंत्री मोदी ही होनी चाहिए। राफेल डी पे राहुल ने घेर रखा है मोदी जी को उस बारे में क्या बोला वो सब बकवास है सब जो है ना इतनी कीमती समय जो है ना कोर्ट उसका जो लगते हैं संसद उसका समय खराब करने वाली बात है समय खराब करते हैं। एक ही चर्चा रहा राफेल पूरी सुनते ही हम रहे राफेल क्या राफेल है इसके हर चीज़ को जवाब देने के लिए तैयार है तो फिर राफेल क्या एक हर प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री उसको चोर कह रहे हैं देश का प्रधानमंत्री है उनके साथ में कैसे व्यवहार करनी चाहिए वो तो आप एक घर की गार्जियन है अब आपको चोर कहेंगे नहीं कहेंगे क्योंकि वो देश का प्रधानमंत्री है उनके साथ में वैसे ही पेश आना चाहिए उनको जिस तरह से वो व्यवहार कर रहे हैं वो बाकी है अपनी अपनी जगह पे है। हाँ विरोधी है तो विरोध करना उनका जायज बनता है विरोध करेंगे मगर एक हद तक रह के विरोध करनी चाहिए। तो 2019 में चुनाव है आप किसको देखोगे मोदी राहुल या मोदी को? वैसे तो सर मोदी को वोट देना चाहिए। जोर से बोलो मोदी को वोट देना चाहिए वैसे तो सर मोदी को वोट दे रहे अब तो आरक्षण भी दे दिया। हाँ आरक्षण भी दे दिया सर मोदी या राहुल? राहुल क्यों मोदी क्यों नहीं? मोदी जी ने क्या किया है इस बार परेशानी के अलावा बताओ दुनिया भर की दिक्कत दी है कौन कौन सी दे दी दिक्कत? काम की दिक्कत दी है काम लोग लगने को तैयार नहीं है भटक रहे हैं लोग काम के लिए। अच्छा आप भी भटक रहे हो उसमें? अब 3 साल में आप नौकरी लगी है। मोदी बहुत बढ़िया काम किया है जो लाला लोग के घर में नोट बड़े हुए हैं सुजालाल बैंक में है गरीबों को मिल रहे हैं तनख्वाह नहीं मिल रहे टाइम पे
समझे ना सर, तो सबसे बड़ा चीज ये है मोदी सही काम कर रहा है, नोट चेंज किया है, लाला लोग बोरी भर के रख रखे थे, डुप्लीकेट नोट थे, डुप्लीकेट अब उसको चलाया उसकी पहचान है, लेकिन मोदी बहुत बढ़िया काम किया है। पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के अंदर मोदी जी सही काम, फिर आके अपनी सीट से बराबर आएंगे वो, अपनी तरह जैसे गुजरात में गोदा कांड हो गया था, हाँ उस समय मुख्यमंत्री थे वहाँ के, गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री रहे, तीन बार मुख्यमंत्री रहे वहाँ पे, लेकिन वहाँ काम के तब वहाँ मुसलमान की वोट है उनकी, वहाँ गुजरात के अंदर मुसलमान की वोट उन्हीं की है। राफेल टीम में घेर लिया राहुल जी ने, उसके घेरने से उसका जवाब भी तो होना चाहिए ना, जवाब देने के लिए तो भग रहे राहुल जी, और सिर्फ अभी उसको अभी सीखना पड़ेगा प्रधानमंत्री के लिए, देश का जो सबसे बड़ा प्रधानमंत्री मोदी से बढ़कर कोई प्रधानमंत्री नहीं, आगे यही आएंगे। 10% स्वर्णीय आरक्षण मिल चुका है, उसमें फायदा होंगे किस चीज़ को लेकर? फायदा तो होंगे ना, गरीब आदमी तो फायदा होंगे, इतना पहले नौकरी नहीं मिल रहा था, अब तो नौकरी मिलेंगे। आरक्षण दिया है उसके ऊपर क्या कहोगे? ये आरक्षण बहुत ही जरूरी थी। देखिए ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, अति पिछड़ी जाति का ही आदमी गरीब होते हैं, गरीब जो है ऊंचे जाति में भी बहुत मजबूर आदमी है, ऐसे मजबूर है, लाचार है, जो कि बिल्कुल गरीब है, रोड पे अपना काम करके अपना बाल बच्चा को पढ़ाते हैं, वो अमीर और गरीब ये चीज़ नहीं देखे जाते, और ऊंची और नीची जाति ये चीज़ नहीं देखे जाते, क्या ऊंचे जात गरीब नहीं होते? ऊंचे जात भी गरीब होते हैं, ऊंचे जात जो है रोड पे काम नहीं करते, ऊंचे जात भी रोड पे काम करते हैं, वो अपना बाल बच्चा को नहीं पढ़ाते, वो भी अपना बाल बच्चा को पढ़ाते हैं, बाल बच्चा को पढ़ा करके और जब उतना ऊंचा शिक्षा दे करके तब धक्के खाते हैं उनका, क्योंकि उनका आरक्षण नहीं है। और जिनके बाल बच्चा गरीब में अति पिछड़ी जात में भी बच्चा नहीं पढ़ता, उनका बच्चा जो है वो 50% पे भी 50% पे ही उनको नौकरी मिल जाते हैं, पर वही जो ऊंचे भूमिहार है, राजपूत है या अन्य जात है, ऊंचे जात है, उनका बच्चा जो है वो 99% भी नंबर लाते हैं तो उनका नौकरी नहीं मिलता, क्योंकि उसका आरक्षण नहीं है। इसलिए सरकार है मोदी की, मैं मोदी को वोट नहीं देना चाह रहा, अच्छी पार्टी लगे उसी को दो जी, वही पार्टी। कौन सी पार्टी बढ़िया है? समर्थन जिसको देंगे, लोकदल की पता नहीं कौन सी पार्टी आ जाए, मोदी को नहीं चाहते, क्यों नहीं चाहते? मोदी ने नोटबंदी करी, बेरोजगार करे, बेरोजगार करे, बेरोजगार हुए हैं, हाँ खाते में 15 लाख है, एक पैसा भी नहीं आया, वो तो किसी के खाते में नहीं आया, फिर वही तो बात कह रहे हैं, हम मोदी को समर्थन नहीं देना चाहते, और कोई भी आओ बैठे बैठे 15 लाख भी चाहिए, पैसा नहीं चाहिए हमें, अपनी मेहनत चाहिए, अच्छा अच्छा, हम ये चाहते हैं मेहनत चाहिए, रोजगार चाहिए हमें, पैसे से कोई मतलब, रोजगार मिला नहीं है, रोजगार नहीं मिला, नौकरियां कुछ नौकरी पैसे से मिल रही है लोगों ने, जाते हैं पैसे, बच्चे कैंसिल हो जाते, पैसे फॉर्म भरे और पैसे दे दिए, पैसे वो आगे सेट हो रहे हैं।